हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होगे। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग पूरा देखना। न्यू जगह पर आ गई हूँ। आप लोग बताइए कमेंट करके कि मैं कहाँ आ गई हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ डुगू? क्या, कौन सी उंगली? बैठो, बैठ के दिखाओ। ओहो, इतनी सूज गई है बाबू। इसकी उंगली देखो कितनी सूज गई है, देखो। तो फ्रेंड्स, तो अब भी बज रहा है मॉर्निंग के 5:30। और 5:30 बजे से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैं तो खैर 5 बजे ही जग गई थी। तो ये है मॉर्निंग का रूटीन। तो मैं जग के गेट खोल लिया था पहले, फिर मैं डुग्गू और हस्बैंड को जगाया। मेरा आज बाहर घूमने का बहुत ही मूड था। जब भी मैं मायके आती हूँ तो घूमने बहुत जाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि घूमने फिरने के लिए यहाँ बहुत अच्छी जगह है। तो आप लोग देखिएगा। और ये मेरे पापा को ना न्यू क्वार्टर मिल गया है, तो यहाँ रहने के लिए यहाँ बहुत अच्छी जगह है। बहुत सारी जगह भी है, बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो डुगू देखो बाहर से मतलब गेट खोल रहा था, मतलब पापा गए हुए थे ड्यूटी पे, तो पापा बाहर से ही कुंडी डाल गए थे, तो गेट खुल गया। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि डुगू गिर ना जाए। और यहाँ अमरूद लगे हुए थे, तो मैं आप लोग को अमरूद दिखा रही थी। तो छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। और चलो अब हम सभी लोग घूमने चलते हैं। बस आप लोग हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और सभी लोगों को आप मॉर्निंग। मौसी और दुब्बू दोनों देखो कैसे सो रहे हैं मजे में। सिर्फ ये लोग मस्ती कर रहे हैं, ये लोग ना उल्लू बना रहे हैं। दुब्बू बहुत दम करते हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग कर ले। साथ में चलेंगे, रुक जा। जीजू भी आ रहे हैं। वो मैं गली की चैन तो उतार के रखे। आ भी जाओ, गेट लगा दो। चल गेट लगाओ, गेट लगाओ जल्दी से। हाँ, किधर साइड चले? इधर साइड। सो फाइनली दोस्तों, मैं घर से बाहर निकल आई हूँ। 5:30 बजे की निकल रही, जब कहीं 6 बजे आके निकल पाई। और भाई ने रख दिया था यहाँ गोबर पे पैर, तो मैं उसको डांटने लगी कि दिखाई नहीं देता है। तो हस्बैंड बना रहे थे वीडियो और मैं भाई घूम रहे थे। तो देखो सभी लोग घूम रहे हो। मैं गली की चेन उतार के वही रखे, भूल गई, नाइट में उतारती थी। हाँ, आजा लाला आजा। ये देखो बछड़ा। ओ हो, डुगू तेरी तरफ आ रहा है। ये तो देख, कुछ लाया है नहीं और ऐसे कर रहा है। उसके लिए उसको बुला रहा था डुगू, बच्चा को खिला ले। बहुत प्यारा है ना, है ना? बहुत प्यारा लग रहा है ना डुगू? सुंदर नहीं लग रहा डुगू आपको? अच्छा है। क्यों मम्मी चाय ले जा रही हो? तो उससे क्या हो गया? आ जाओ। हाँ डुगू आ जाओ, चाय पियेंगे। ये चाय, इंतजार कर रहे थे चाय का। डुगू पूरा बिस्किट का पैकेट यहाँ क्यों उठा के लाए? जल्दी यहाँ रख दो। मस्त बनी है चाय। ठीक है ठीक है, दिमाग सही है क्या? नहीं बाबा, क्या बदतमीजी दे रहे हो? मैंने तो पता ब्रश भी नहीं किया, अभी चाय पीने बैठ गई। क्या यार,
तो मैं यहाँ बैठ के, हस्बैंड, मैं, डुगू, सभी लोग चाय पी रहे थे और मम्मी गेट पे खड़ी होके देख रही थी, बोल रही थी एक कप तो अलग ले जा रही हो। मैंने कहा उससे क्या। और यहाँ मम्मी से हम बातें कर रहे थे और खरगोश है ना, मतलब अंदर से बाहर आ रहा था, मतलब उसका टाइम हो गया था पॉटी वगैरह करने का, तो टॉयलेट वगैरह करने आता है बाहर ही, तो हम उसको देख के हंस रहे थे। वो देख देख के मतलब वो हो रहा था। तो यहाँ देखो खरगोश है यहाँ, मतलब वो, तो दुग्गू यहाँ बैठ के मतलब गेम खेल रहा है और हस्बैंड मतलब अंदर बैठे हुए थे कि बाहर, अब मुझे याद नहीं। तो मैं इसको डांट रही थी, मतलब फ़ोन मत चलाओ, ये फ़ोन चलाने में मस्त था, सुबह सुबह फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाता है। तो हस्बैंड बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने मायके में सच में। और आप लोग को अपना घर तो दिखा दिया, और यहाँ मैं शीशे में मतलब मिरर में देख के अपना वीडियो शूट कर रही थी। तो मैं देख रही थी, मैं यहाँ आके थोड़ी दुबली पतली नहीं लगने लगती, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया सच में। अपने मायके आके बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, पूरी 5 रोटियाँ खाती हूँ, और ससुराल में 2 से 3 रोटी हो जाएगी, 3 से 4 रोटी नहीं खपती है। और यहाँ आके बहुत सारी रोटियाँ खाती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड को मैंने लगा दिया काम में, मम्मी तो मना कर रही थी लेकिन मैंने ही बोल दिया, पापा ड्यूटी पे गए थे, पापा को आके करना पड़ता, तो मैं बैठी हुई थी फ्री, तो मैं ही कर रही थी। तो हस्बैंड बोल रहे नहीं मैं कर दूंगा, तो हस्बैंड और मैंने दोनों ने ही मिलकर यहाँ की मतलब ये क्या बोलते हैं, मिट्टी खोदी थी यहाँ पे, जैसे अब मेथी, पालक और लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें बोई जाएंगी इसमें, और कुछ फूलों के पौधे भी ले आएंगे नर्सरी से, फिर यहाँ लगा देंगे। बहुत सारी जगह है तो पता है आप लोगों को, आप लोगों को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हरा भरा, मुझे ग्रीन ग्रीन घास बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से फूल भी हो घर में, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे। तो यहाँ मैं लगा के जाऊँगी, मेरे घर तो खैर ससुराल में जगह नहीं है, सारा पक्का है, तो बाहर की ओर जगह ही नहीं है, वरना तो मैं उधर भी पेड़ पौधे लगा देती, मैं बहुत हो गई थी परेशान। तो बाहर से मिट्टी खोदने के बाद मैं अंदर आ गई थी, अंदर आने के बाद मैंने पोछा की बाल्टी उठाई और यहाँ वाइपर से पोछा लगाने लगी। जब भी हम मायके आ जाती हूँ, मैं, मेरी छोटी बहन भी एक और है, तो हम लोग 3 बहनें हैं, तीनों मतलब 2 बहनों की शादी हो गई, तो दोनों बहनें ही घर पे आके काम करती हैं, मम्मी बीमार रहती हैं तो मम्मी पे काम होता नहीं है, इसलिए सभी लोग काम ही करते हैं। यहाँ आके जब हमारी भाभी आ जाएंगी तो थोड़ा बहुत हमको हेल्प मिल जाएगा, भाभी आ जाएंगे तो हम लोगों को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और मम्मी लेके आ रही है पानी, मम्मी भी काम करती है लेकिन मम्मी पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, फिर मम्मी को ना दिक्कत होती है। तो यहाँ पोछा लगा रही हूँ। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों बताना मुझे।